श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित रेलवे स्टेडियम में इस प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में बोलते हुए समिति के महामंत्री राजीव अग्रवाल उर्फ बल्लू ने बताया कि 27 जनवरी को एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ पान दरीबा से होगा। इस शोभा यात्रा की विशेषता यह रहेगी कि 501 कलश लेकर महिलाएं इसमें शामिल होंगी। शहर में भ्रमण के बाद शोभा यात्रा रेलवे स्टेडियम कार्यक्रम स्थल पर संपन्न होगी, तो वहीं 28 जनवरी से कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें रामविलास वेदांति जी महाराज के द्वारा कथा का बखान किया जाएगा। 3 फरवरी को समिति के 25 वर्ष पूरे होंगे। इसके उपलक्ष्य में भी समिति के द्वारा रजत जयंती समारोह का आयोजन होगा, जिसमें एक विशाल संत सम्मेलन भी आयोजित होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसके उपलक्ष्य में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ईस्टर्न मुरादाबाद की ओर से एक भव्य आयोजन रेलवे स्टेडियम में 27 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। एक बहुत भव्य कार्यक्रम मुरादाबाद की धरती पर संत समागम के रूप में परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के सानिध्य में सब मुरादाबाद की जनता से हम निवेदन करेंगे, कृपया आइए और इस कार्यक्रम में भक्ति संगीत का आनंद लीजिए। इस जो सारे संत समागम यहाँ पे होगा इस रेलवे स्टेडियम में, बहुत बहुत उच्च कोटि के संत इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित उनकी होगी। और ये ऐसा भव्य कार्यक्रम इससे पहले अभी मुरादाबाद में शायद पहली दफे हो रहा है। ऐसी हम मुरादाबाद की जनता से हमारा निवेदन है कि आप एक बार आइए, इसमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराइए और धर्म लाभ कराइए। जी भैया, ये जो आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है किस संबंध में रखी गई है? श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के वार्षिक अनुष्ठान मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी एवं शिव पुराण महाकथा का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी तक रेलवे स्टेडियम सिविल लाइन पर होना निश्चित हुआ है, जिसके संबंध में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। 27 जनवरी को श्री परिवार की एक शोभा कलश यात्रा पान दरीबा से रेलवे स्टेशन पर आएगी, जिसमें 501 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और विभिन्न प्रकार की झांकियां होंगी। 3 फरवरी को श्री परिवार के 25वें वर्ष पूरे होने पर एक रजत जयंती वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विराट भक्ति संत सम्मेलन का, जिसमें करीब 12 संत हमारे, जिसमें शंकराचार्य जी भी हैं, महामंडलेश्वर जी भी हैं, आदि अनेक संत हैं। परम पूज्य रामराज वेदांति जी अयोध्या से आएंगे, कथा का श्रवण कराएंगे, उन्हीं के सानिध्य में संतों का आगमन होगा, संत सम्मेलन होगा। इस बार कार्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विराट भक्ति संत सम्मेलन जो मुरादाबाद की धरती पे अद्भुत रूप है, जिनके माध्यम से हमें संतों के दर्शन करने को मिलेंगे, जिनके दर्शन करना कुंभ में ही संभव हो पाता है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हमारा अर्ध कुंभ अपने श्री परिवार में ही बनेगा,